हाय फ्रेंड्स, आप फूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी और आलू की रसेदार सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। ये दो टमाटर हैं, इनको मैंने काट दिया है। आलू, गोभी, हरा धनिया, मिक्सर जार में मिर्ची, अदरक और टमाटर, इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। एक कच्चा आलू है, इसको मैंने काट के इसी में ऐड कर दिया है। इसको भी पीसेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया, मेथी दाना करीब 1 चम्मच, जीरा साबुत 1 चम्मच, इन सारी चीज़ों को हम पीस कर तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें करीब 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच, हींग 1 छोटा चम्मच, और जो पेस्ट हमने पीस कर तैयार किया था वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है क्योंकि इसमें हमने कच्चा आलू ऐड किया है। ये थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सब्जी मसाला ऐड करेंगे, पकाएंगे थोड़ी देर। मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें हम गोभी ऐड करेंगे जो काट के रखी थी और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने गोभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ढक्कन ऐसे ही बंद कर देंगे ऊपर से। आप चाहें तो कोई गेट भी बंद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ढक्कन ही ऐसे बंद कर दिया है। थोड़ा सा पकाएंगे इसको, बीच में चेक करते रहेंगे क्योंकि ये चिपक सकता है। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, मैंने 2 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है इसमें, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसको ऐसे ही बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर देखेंगे। इसको ऐसे ही पकने देंगे। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको मैंने करीब 5 मिनट तक ऐसे धीमी आंच पे पकाया था। अब उसके बाद इसमें पानी ऐड किया है, पानी करीब 1 ग्लास ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा और ऐड किया है। अब कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। दो से तीन सीटी में आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी बन के। ये देखिए कुकर का प्रेशर हट गया है, ये एकदम ठंडा हो गया है कुकर, सब्जी बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। इसको बिना मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया हुआ है, देखिए खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।